सोया प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन लोग या नॉन वेजिटेरियन लोग, आई थिंक हर इंसान को सोया प्रोडक्ट से उतनी ही दुश्मनी है जितनी दुश्मनी उनको शुगर से हो रखी है। इतना डरते हैं लोग सोया से, सोया खाएंगे तो थायराइड हो जाएगा, सोया खाएंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। एंड मर्द प्रजाति को तो इतनी इनसिक्योरिटी है, सोया प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हमें बूब्स आ जाएंगे, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, इसलिए हम सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाते। भाई साहब, क्यों आपको इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, आज हम बात करने वाले हैं सोया प्रोडक्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड प्रॉमिस करो कि वीडियो में लॉजिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे। शुरू करें, चलो। सबसे पहले कॉमन सोया प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे कॉमन है सोया चंक्स, सोया बड़ी जिसको बोलते हैं, जिसमें से सोया चाप भी बनता है। फिर सोया का मिल्क, बहुत सारे लोग डेयरी सही से पचा नहीं पाते तो वो सोया मिल्क लेते हैं। फिर टोफू जो है वीगन या प्लांट बेस्ड पनीर, सोया बीन्स को ही कोएगुलेट करके कर्डल करके उसमें से पनीर टाइप कुछ बनाया जाता है, वो है टोफू। टेम्पे इज अगेन सोया का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सोया बीन्स आते हैं जो लेग्यूम्स होते हैं, है ना, छोले की तरह छोटा सा बीन है, उसका ही फ्रेश वर्जन है एडमामे बीन्स। फिर सोया के बीन्स को फर्मेंट करके उसमें से सॉस बनाते हैं, इसका नाम है सोया सॉस। उसी में से एक पेस्ट बनती है जिसको बोलते हैं मिसो पेस्ट। सो मेनी थिंग्स, है ना, ये अलग अलग चीजें सोया में से बनती हैं। बहुत सारे लोगों को सोया से डर लगता है एंड द फियर्स आर, सबसे पहला कि सोया के अंदर है ना फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन्स आपकी बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसकी तरह मिमिक करता है, उसकी तरह एक्ट करता है, तो आपको वो हार्मोनल इंबैलेंस दे सकता है। मैं बोल नहीं रहा हूं दे सकता है, मैं बोल रहा हूं लोगों को ऐसा लगता है। कितना सच है इसके बारे में, चलो जानते हैं। पहले तो यस वो सच है, बट वो हार्मोनल इंबैलेंस दे उसके लिए आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में सोया प्रोडक्ट्स खाना पड़ेगा। आप अगर 100-200 ग्राम सोया प्रोडक्ट्स, 2-3 सर्विंग सोया प्रोडक्ट्स रोज की खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाके हार्मोनल इंबैलेंस नहीं क्रिएट करेगा। सेम गोज फॉर गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज अ कंडीशन जहां पे मेन, जो लोग मेल एट बर्थ आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डर लगा रहता है कि हम सोया प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में जाएगा और हमें विमेन टाइप सिम्टम दे देगा। आई डोंट नो ये कहां से इनसिक्योरिटी आई है, बट नहीं होता है। अगेन आपको 1.5 किलो सोया प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे रोज के रोज, तब जाके आपको ऐसी कोई इंपैक्ट आ सकती है। बट देर आर नो क्लिनिकल स्टडीज जो ये चीज को प्रूव करती है कि आप सोया प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपको गायनेकोमेस्टिया होगा। गायनेकोमेस्टिया इज अ कंडीशन जो बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से होती है, कभी और उसके बारे में बात करेंगे, सोया प्रोडक्ट्स नहीं कर रही। तीसरा, सोया प्रोडक्ट्स के अंदर गोइट्रोजन करके केमिकल होते हैं जो आपकी थायराइड ग्लैंड को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप जो थायराइड के पिल्स खा रहे हो वो आपको सही से अब्सॉर्ब नहीं करने देगा अगर आप सोया प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो। अगेन अगर आप मॉडरेशन में सोया प्रोडक्ट्स खा रहे हो, हाई क्वांटिटी में नहीं खा रहे हो, तो वो आपको थायराइड भी नहीं देगा और आपके थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को भी नहीं इंपैक्ट करेगा। सो मेनी स्टडीज प्रूविंग दिस पॉइंट। सो आपको थायराइड है तो भी आप एक बार न्यूट्रिशनिस्ट से, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपनी क्वांटिटी फिगर आउट करो और वो मात्रा में खाओगे तो आपको सोया प्रोडक्ट्स कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले। तो आप बोलोगे कि उमेश ये सोया प्रोडक्ट्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं इसलिए पड़ा हुआ हूं बिकॉज बहुत ही बेनिफिशियल है। आप जो फाइटोइस्ट्रोजन के बारे में बात कर रहे हो सोया प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको बोलते हैं आइसोफ्लेवोन्स। वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप अगर मेनोपॉजल लेडी हो और मेनोपॉज में आपको जो हार्मोनल इंबैलेंस आ रहा है और आप सोया प्रोडक्ट्स ऐड करोगे आपकी लाइफ में, तो वो आपके हार्मोनल इंबैलेंस को बहुत अच्छी तरीके से इंपैक्ट करेगा और आपको बेनिफिट्स देने वाला है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत दूसरा भी काम होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है उसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ लिंक। सोया प्रोडक्ट्स कैन हेल्प यू विद दैट। अ लॉट ऑफ इंडियन ऑडियंस इज वेजिटेरियन। वो मीट खाते भी हैं तो बहुत ओकेजनली खाते हैं। तो अगर आप प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी रह जाती है। सोया प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। आप सोया चंक की बात करोगे तो सोया चंक 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है वहां से। तो यू कांट बी इग्नोरिंग दैट होल फूड सोर्स। अगर आप चना छोले राजमा पनीर खा के पक जाते हो तो आपके पास सोया प्रोडक्ट्स का पूरा रेंज है जो आप प्रोटीन के लिए इंटेक कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी कंडीशनिंग थोड़ा चेंज करना है। उसके बाद एक और दिक्कत आती है लोगों के, सोया प्रोडक्ट्स मटन जैसा या मीट जैसा टेक्सचर देता है। आप उसकी सब्जी बना के मत खाओ ना। एक मैं ब्यूटीफुल हैक देता हूँ आपको।
सोया चंक्स घर पे लेके आओ, उसको पीस दो मिक्सी ग्राइंडर के अंदर और उसको रोटी के आटे के साथ मिक्स कर दो। आप उसमें से रोटी बनाओ, आपकी प्रोटीन रिच रोटी बन रही है। उसके साथ आप ग्रीन सब्जी भी खाओगे तो भी आपके खाने में प्रोटीन आ रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद सोया प्रोडक्ट्स। एंड आप बोलोगे तो सर हाउ डू वी गो अबाउट इट, हाउ डू वी फाइंड आउट कि मुझे कितना सोया खाना चाहिए। देखो यहाँ पे आता है थोड़ा सा डिफिकल्टी, बिकॉज आप सब देख रहे हो, देखो हमारे पास अभी जब आप देख रहे हो तो हमारे पास 36,000 फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स। 36,000 सब्सक्राइबर्स का एज, सेक्स, हाइट, वेट, रिक्वायरमेंट, ब्लड रिपोर्ट्स, गोल सब अलग अलग है, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकता। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड इट आउट फॉर योरसेल्फ। मैं डिस्क्रिप्शन में एक न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में डिटेल दे रहा हूँ जो 4 घंटे में आपको सिखा सकता है आपने लिए डाइट प्लान कैसे बना सकते हो, और वहां पे आप प्रोटीन कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, वहां पे सोया का कैलकुलेशन आपकी हेल्थ के लिए कैसे कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है आप मेरी टीम के साथ बैठो, फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं हम 15 मिनट का, उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बुक अ कंसल्टेशन, टॉक अबाउट योर हेल्थ इश्यूज एंड देखो आप अपने डाइट में सोए प्रोडक्ट्स को कैसे फिट कर सकते हो। सोए प्रोडक्ट्स अगर आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज की वजह से सोया प्रोडक्ट फ्लैचुलेंस या गैस या डायरिया जैसा सिम्टम्स दे सकता है, बट वो यूनिवर्सल नहीं है। वो सोए की वजह से नहीं है, वो आपके गट हेल्थ इंबैलेंस की वजह से। तो आपके गट हेल्थ को फिक्स करो। ये रहा वीडियो, सोए से मत डरो। सोया प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कोई और सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछो। बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन, सोया प्रोडक्ट्स कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर यू इफ यू कैन ट्राई इनकल्केटिंग दैट इन योर डाइट। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी, दिस वाज अ छोटा सा वीडियो इन सोया प्रोडक्ट्स। गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखो उसको यूटिलाइज करो। कुछ सवाल है तो मुझसे पूछो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। एंड हमेशा याद रखो, इंटरनेट पे लोग आपको डराने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि डर से चीजें बिकती हैं। आपको आज चूज करना है कि यू वांट टू लिव अ फियरफुल लाइफ या फियर फ्री लाइफ। मैं आपको बोलूंगा कि खाने से दोस्ती करना है, दुश्मनी नहीं। ध्यान रखो अपना।